नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस भाग में मैं आपको एलसीडी स्क्रीन और उनकी प्रोटेक्शन बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि जो एलसीडी स्क्रीन होती है जनरली ये इस टाइप से दिखती है। ये फिलहाल एक MI 3 की एलसीडी स्क्रीन है, हालांकि खराब नहीं हुई है फिलहाल, फिर भी मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो देख सकते हो कि LCD स्क्रीन कुछ इस टाइप से होती है। कई बार LCD स्क्रीन के ऊपर ही टच लगा होता है अधिकतर केसेस में। और जैसे कि आप ये DOS 2 की देख सकते हो, इसमें जो ग्लास है उसी के ऊपर टच है। तो फिलहाल कई इस टाइप की भी LCD स्क्रीन होती हैं। कई आप देख सकते हो कि ये Nexus 4 की LCD स्क्रीन है, इसमें LCD अलग से है और ऊपर से जो ग्लास के साथ ही आपका टच लगा हुआ है। तो कई टाइप की कई बार आपको ऐसी LCD स्क्रीन्स की भी भनक या आपको मिल जाती हैं। तो फिलहाल ये LCD स्क्रीन वर्क कैसे करती हैं तो इसके बारे में हम आपको ज़्यादा यहाँ इस वीडियो में नहीं बता सकते। फिलहाल आप ये मान लीजिए जो आपका लैपटॉप है या आपका जो मोबाइल है उससे डेटा सिग्नल्स आते हैं और इस सिग्नल के थ्रू इस डिस्प्ले में ये डिस्प्ले हो जाते हैं। तो फिलहाल इनको दिखाने के लिए एक पीछे की तरफ को आप देख सकते हो कि मेरी कोई टूटी हुई स्क्रीन में पीछे की तरफ को आपको LEDs दिख जाएंगी। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इसको खोल दिया तो आपको पीछे की तरफ को ये LEDs दिख रही हैं। काफ़ी लार्ज नंबर में LEDs होती हैं। तो ये सिर्फ बैकलिट के लिए होती हैं। बैकलिट के बाद ये जो LCDs है उससे लाइट ट्रांसफ़र होते हुए आपको दिख जाती है। तो ये होती है कुछ स्टेप से LED की वर्किंग। फिलहाल मैं इस वीडियो में LED की वर्किंग नहीं बता रहा हूँ। तो फिलहाल जो मेरा मेन पर्पस है इस वीडियो का वो है आपको LCD स्क्रीन और उनके प्रोटेक्शन के बारे में बताने के लिए। अगर आप किसी भी LCD स्क्रीन को ले लें, इनमें से कोई भी LCD स्क्रीन ले लें, जैसे कि मैं इसी को ले लेता हूँ, अगर इसके LCD स्क्रीन को अगर आप किसी भी चाबी से या किसी भी चाकू से स्क्रैच करने की कोशिश करोगे तो देखते हैं कि बड़ी आराम से स्क्रैच हो जाती है। यही नहीं, आप MI 3 के देख लीजिए, ये भी बड़ी आराम से स्क्रैच हो जाती है। तो ये LED स्क्रीन्स या LCD स्क्रीन्स में ऐसा क्या होता है कि ये इतनी जल्दी स्क्रैच हो जाती हैं, इसको देखने के लिए हमें इसके ऊपर से पहले लेयर बाई लेयर इसको खोलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर एक छोटी सी फिल्म लगी हुई है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन शीट्स। ये पोलराइजेशन शीट का क्या काम है? ये पोलराइजेशन शीट LCD की वर्किंग के लिए ज़रूरी होती है। तो ये पोलराइजेशन शीट एक प्लास्टिक की होती है और ये जो स्क्रैच हो रही है ये पोलराइजेशन शीट हो रही है। इसके बिना आप देख नहीं सकते हो डिस्प्ले को। फिलहाल उसके नीचे जो ग्लास है वो काफ़ी स्क्रैच रेजिस्टेंस है, उतनी जल्दी से स्क्रैच नहीं हो जाता। तो फिलहाल हर किसी LCDs या LED स्क्रीन के ऊपर आपकी एक पोलराइजेशन शीट होगी। और पोलराइजेशन शीट आपकी नॉर्मल, ये चाकू से दिखा रहा हूँ, आप नॉर्मल किसी सिक्के से भी कर लें तो वो उससे भी स्क्रैच हो जाएगी। देखो कितनी बढ़िया से स्क्रैच हो जा रही है, इसको भी देख लेते हैं कितनी बढ़िया से स्क्रैच हो जा रही है। तो क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, हमें पोलराइजेशन शीट के लिए एक पॉलीमर या एक प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारी LCD या LED डिस्प्ले के ऊपर चिपकाना पड़ता है। जो हम लोग इसके ऊपर ग्लास लगाते हैं या इसके ऊपर जो हम लोग मैन्युफैक्चरर फ़ोन के ऊपर ग्लास लगा के आपको देता है वो सिर्फ इस LCD स्क्रीन के ऊपर लगे हुए पोलराइजेशन शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि दुनिया भर के आते हैं, जैसे कि ये सैमसंग का हो गया, ऐसे ही आप देख सकते हो कि ये LG का हो गया, हालांकि ये मेरा टूट चुका है। तो इसी टाइप से आप देख सकते हो कि Nexus के ऊपर भी इस टाइप से ग्लास लगा होता है। आप देख सकते हो कि मैं इसमें अभी ग्लास को निकाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये चिपका हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये Nexus 4 की LCD कुछ इस टाइप से दिखेगी। ये LCD स्क्रीन है और इसके ऊपर भी आप हल्का सा स्क्रैच करोगे तो स्क्रैच हो जाएगी। और इसके ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है उस पर अगर आप स्क्रैच करने की कोशिश करोगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक आप इसके इक्विवेलेंट हार्डनेस मटेरियल का यूज़ नहीं करोगे स्क्रैच करने के लिए मटेरियल, तो तब तक ये स्क्रैच नहीं होगा, कुछ भी कर लो। तो फिलहाल ये हो गया LCD स्क्रीन और उनकी प्रोटेक्शन के लिए ऊपर ग्लास। कई बार जो टच होता है वो ग्लास के ऊपर लगा दिया जाता है और कई बार टच आपकी LCD स्क्रीन के ऊपर भी होता है। तो ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करती हैं कि वो कैसे टच को वो इम्प्लीमेंट करता है। तो फिलहाल आप ये भी देख चुके हो कि ये जो ऊपर का ग्लास होता है ये काफ़ी टफ होता है, उतनी जल्दी से ये स्क्रैच नहीं करता है। अगर हमें कोशिश भी कर लूँ, ये स्कॉर्पियन ब्लेड काफ़ी तीखा ब्लेड होता है, तो इसमें कितनी भी कोशिश कर लूँ तो जो उसका ऊपर वाला ग्लास वो स्क्रैच नहीं होने वाला। और ग्लास को स्क्रैच हुआ कि नहीं हुआ इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका, अगर स्क्रैच हो गया तो आप हल्का से जोर डालोगे तो वहाँ से वो टूट जाएगा। तो मैं कट तक कराने तक ले जाता हूँ, तो आप देख सकते हो तो अगर यहाँ से टूट गया मतलब स्क्रैच हो गया। तो फिलहाल कोई भी चीज़ इस ग्लास को स्क्रैच नहीं कर सकती। तो इसको स्क्रैच करने के लिए या तो आपको जो ग्लास कटर्स आते हैं सिलिकन कार्बाइड टिप वाले, जो सिलिकन कार्बाइड होता है उसकी जो हार्डनेस होती है लगभग ग्लास से मैच करती है, तो ये आराम से इस ग्लास को स्क्रैच कर सकते हैं। देखिए कैसे, हालांकि आप देख पा रहे हो मुझे लग नहीं रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर एक लंबी यहाँ तक लाइन लग चुकी है, अब ये ग्लास स्क्रैच हो चुका है। इसको चेक करने का तरीका, मैं इसको तोड़ूंगा तो यहाँ से
स्क्रैच से ये प्रोपागेट कर जाएगा। तो देख सकते हो कि अगर ग्लास में हल्का सा भी स्क्रैच लग जाता है, चाहे वो आपके इस डायमंड कटर से या आपके ये ग्लास कटर से लगे, चाहे वो आपके धूल के कण, हालांकि जो धूल का कण होते हैं मतलब सैंड जो होती है वो भी सिलिकन डाइऑक्साइड होती है, मतलब सिलिका होती है, सिलिका वही सेम चीज़ जिससे हम आप ग्लास को बनाते हैं वही मटेरियल है। तो अगर धूल के कण या आपके मिट्टी के कण जिसको हम रेत बोलते हैं अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर पड़ जाएं और उसको आप ऐसे करके स्क्रैच कर देते हो तो आप आराम से वहां से डिस्प्ले को तोड़ सकते हो। तो आप कैसे पता लगाएं कि ये जो कट लगा हुआ है जिससे आपका डिस्प्ले टूटा हुआ है वो धूल के कण या स्क्रैचेस की वजह से टूटा हुआ है या फिर किसी हाई इम्पैक्ट की वजह से टूटा हुआ है? तो हाई इम्पैक्ट का मतलब ये हो गया, जैसे कि अभी ये स्क्रीन पड़ी हुई है तो मैं इसको हाई इम्पैक्ट से तोड़ने की कोशिश करता हूँ। हाई इम्पैक्ट का मतलब हो गया मैं कोई यहाँ पर नहीं लगा, ये कोई इसको स्क्रैच नहीं करेगा, तो मैं इसको हाई इम्पैक्ट का मतलब हो गया मैं इस पर जोर से मार के इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ। हालांकि देख सकते हो कि काफ़ी तगड़ी स्क्रीन है, उतनी जल्दी से ये सेटेड नहीं हुई, तो मैं इस पर और मारता हूँ। देख सकते हो कि ये इतनी जल्दी से सेटेड नहीं होती है, तो मैं इसको प्लायर से मार के कोशिश करता हूँ। देखो उतनी जल्दी स्कैटर्ड नहीं होती है, तो मुझे इसको स्कैटर्ड करने के लिए करना क्या पड़ेगा, मुझे किसी एंगल पर रखना पड़ेगा। हालांकि आप कहोगे कि मैंने यहाँ से तोड़ दिया है तो आराम से सेटेड हो जाएगी, तो मैं इसको सेटेड करने के लिए ऐसा रख देता हूँ। देख सकते हो कि कितनी तगड़ी स्क्रीन है, कितनी ज़बरदस्त स्क्रीन की क्वालिटी है, इतनी जल्दी से टूट नहीं पा रही है। आप कुछ भी कर लीजिए इतनी जल्दी से टूटेगी नहीं। जब अगर हल्के से स्क्रैच मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने जो धूल की देखिए हल्के स्क्रैच डालने पर ये इतनी बढ़िया तरीके से टूट गई यहाँ से। तो देख सकते हैं कि स्क्रैच बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी स्क्रीन्स को या किसी भी ग्लास को तोड़ने के लिए। नॉर्मली जो ग्लास कटर्स होते हैं वो भी यही तरीका इस्तेमाल करते हैं, हल्का स्क्रैच डाल देते हैं जहाँ से उनको तोड़ना होता है और उसके बाद चटका के उसको तोड़ देते हैं। तो नॉर्मली अगर जब हमारा ग्लास टूट जाता है तो वो हमारा ग्लास आपकी स्क्रीन को सेटर्ड क्यों नहीं करता या स्क्रैच क्यों नहीं करता है? तो उसका कारण ये है कि जो भी आपका ग्लास यूज़ किया जाता है वो एक लैमिनेटेड ग्लास होता है, मतलब कि उसके नीचे एक प्लास्टिक की बहुत पतली सी फिल्म होती है। आप देख सकते हो ये बहुत पतली सी फिल्म लगाए रखते हैं, और ये पतली फिल्म इसलिए है कि अगर कहीं गलती से ग्लास सेटर्ड भी कर जाए, टूट भी जाए, तो जो क्रैक है वो अंदर की तरफ को प्रोपेगेट ना करें। हालांकि ये उतनी पतली नहीं है, इस केस में काफ़ी मोटी है। आप देख सकते हो काफ़ी मोटी इन्होंने ये एक तरह से प्लास्टिक इस्तेमाल किया है, और इसके नीचे ग्लास है। अब अगर ये ग्लास टूट जाए तो ये जो क्रैक है वो आपकी टूटने के बाद आपकी स्क्रीन पर प्रोपेगेट कर देगा। तो मैं दिखा सकता हूँ अभी पिन पॉइंट से मैं ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि आप देख सकते हो कि ग्लास इतना मजबूत है कि इतने छोटे से फोर्स के बाद भी ये टूट नहीं रहा है, तो मुझे यहाँ पर एक ज़्यादा फोर्स बनानी पड़ेगी। तो मैं देख सकते हैं कि अभी आप देखना देख सकते हो कि ग्लास कितना हार्ड है, एक पिन पॉइंट पर भी मैं जोर लगा रहा हूँ तो उतनी जल्दी से भी नहीं टूट रहा है। तो आपका ये जो टूल है स्कॉर्पियन ब्लेड है वो मुड़ गया, पर फिलहाल आपका ग्लास नहीं टूटा। स्क्रैच हुआ है? नहीं हुआ। अगर स्क्रैच हुआ होता तो मैं इतना जोर लगाता टूट जाता। तो देख सकते हैं कि नीचे लगी हुई एलसीडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास मैन्युफैक्चरर या वो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर आपकी ग्लास के नीचे एक पतली सी प्लास्टिक की फिल्म लगाते हैं ताकि वो लैमिनेट हो सके, और अगर ग्लास कहीं गलती से टूट भी जाए तो आपकी जो नीचे की एलसीडी है या टच है वो बचा रहे। तो ये तो हो गया ग्लास। तो देख सकते हो कि दो कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चरर बना के देता है, एक तो हो गया आपकी एलसीडी स्क्रीन जिसके ऊपर पोलराइजेशन शीट लगी हुई है, और उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास। तो हम लोग क्या करते हैं जब भी हम लोग ऐसे कोई टच या डिजिटाइजर या एलसीडी को खरीदते हैं या मोबाइल फोन को खरीदते हैं, तो हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक प्लास्टिक फिल्म या फिर कोई टेम्पर्ड ग्लास लगा देते हैं। हालांकि इसका भी वही सेम रोल है, ये भी सेम उसी टाइप का ग्लास आता है, पीछे से लैमिनेटेड है और वही सेम हार्डनेस स्केल है, कभी भी कोई चीज़ इसको स्क्रैच नहीं कर सकती सिवाय कोई रेत का कण या फिर आपका स्पेसिफाइड ग्लास कटर। तो देख सकते हो कि ग्लास कटर ने इसको बहुत आराम से तोड़ दिया। बहुत आराम से तोड़ दिया। ये भी सेम उसी टाइप का ग्लास है, पीछे से लैमिनेशन शीट लगी हुई है। आप देख सकते हो लैमिनेशन शीट है जो कि अगर कहीं गलती से भी आपका टेम्पर्ड ग्लास टूट जाए तो ये इस ग्लास को की वजह से जो आपके नीचे एलसीडी स्क्रीन लगी हुई है वो स्क्रैच ना कर जाए, तो उसके लिए ये नीचे को प्रोटेक्शन लगाते हैं। तो देख सकते हो कि जो आपकी मेन एलसीडी स्क्रीन के जो तीन कंपोनेंट्स हैं, तीनों कंपोनेंट्स को बचाने के लिए पहले तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, टच और एलसीडी को बचाने के उसने क्या किया, उसने एक ग्लास लगा दिया इसके ऊपर, और आपने इस ग्लास को बचाने के लिए क्या किया, इसके ऊपर एक और ग्लास लगा दिया। तो इस तरह से तीन टाइप
से इस ये जो नीचे वाली एलसीडी है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। एक तो उसके ऊपर जो पॉलिशिंग शीट लगी है उसको प्रोटेक्ट करिए, दूसरा मैन्युफैक्चर का लगाया हुआ ग्लास और तीसरा आपका लगाया हुआ स्क्रीन प्रोटेक्टर। तो हालांकि इन तीनों के जोड़ से जो स्ट्रेंथ मिलती है ग्लास को, जो स्ट्रेंथ मिलती है नीचे वाली एलसीडी को, वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है। ग्लास वैसे ही बहुत सख्त चीज़ है, उतनी जल्दी से ये टूटता नहीं है। अगर टूट जाए तो फिलहाल ये चीज़ टूटेगी, नीचे में ये क्रैक प्रोपागेट नहीं करेंगे। अगर नीचे वाली चीज़ दोनों मिलकर टूट गई तो ये क्रैक नीचे तक प्रोपागेट नहीं करेंगे। अगर किस्मत ज़्यादा ही ख़राब रही, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, तो हो सकता है कि आपका ये सारी चीज़ें एक साथ टूट जाएँ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। मेनली ये जो आपका स्क्रीन गार्ड है वही टूटता है, उसके बाद कहीं टूटेगा तो ये टूटेगा, और फाइनली बहुत कम चांसेस होते हैं नीचे वाली एलसीडी के टूटने के। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कैसे ग्लास कैटरेट करता है। हालांकि मैं सिर्फ इस वीडियो में एक ही डेमोंस्ट्रेशन दिखा पाया हूं कि आप अगर स्क्रैच हो जाए तो स्क्रीन आराम से सैटरेट कर जाती है हल्के से भी इम्पैक्ट से। और अगर इम्पैक्ट पड़े, जैसे कि अब मैं दिखा सकता हूँ इस एलसीडी में, अभी तो कोई इसमें नहीं है, तो इसमें अगर कोई इम्पैक्ट पड़े तो देख सकते हो काफ़ी बड़ा ये इम्पैक्ट झेल जाती है, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट झेल जाती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो ये एक तरह की टेम्पर्ड ग्लास हैं, इतनी जल्दी से ये सेटर्ड नहीं करते, काफ़ी इसमें वो है सैग है, काफ़ी ज़्यादा बेंड हो सकते हैं। तो इसी बेंडिंग की वजह से, क्योंकि ये जो ग्लास हैं ये दो टाइप के मटेरियल से बनाए जाते हैं, एक तो हो गया आपका प्योर ग्लास जिसको हम सिलिका बोलते हैं, साथ में कुछ प्लास्टिक कंपोनेंट भी इसमें डोप कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको हार्डनेस भी मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। तो हार्डनेस स्क्रैचिंग को प्रोटेक्ट करती है, फ्लेक्सिबिलिटी इसको एक साइड से स्क्रैच होने से बताती है। तो देख सकते हो कि जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए इतनी जल्दी ये ग्लास नहीं टूटने वाला। मैं इसमें हल्का सा स्क्रैच लगा देता हूँ, देखो बीच में अब कितनी जल्दी से टूटेगा। मैं हल्का सा स्क्रैच लगा देता हूँ बीच में, तो आप देखना कितनी जल्दी से टूटेगा। टूट गया। तो आप ग्लास में जो क्रैक पड़े हुए हैं उन क्रैक्स को देख के ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये ग्लास इम्पैक्ट की वजह से टूटा हुआ है या फिर आपके स्क्रैचेस की वजह से टूटा हुआ है। कैसे? अगर आपका, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये आपका इम्पैक्ट की वजह से टूटा हुआ है। इम्पैक्ट का जो स्कैटरिंग होती है वो कुछ इस टाइप से दिखती है, और जो स्क्रैच की वजह से आती है वो आती है इस वाली, बिल्कुल सीधी लाइन मिलती है आपको। ये है जो नीचे को साइड को लगे हुए हैं, ये टूटा हुआ ग्लास सिर्फ आपके स्क्रैच की वजह से, और ये जो यहाँ पर टूटा हुआ ये है इम्पैक्ट की वजह से। तो स्क्रैच की वजह से आप देख सकते हो प्रोफाइल आपका काफ़ी लंबा चला जाता है, अंदर तक चला जाता है। हालांकि देख सकते हो कि ये अलग ग्लास भी आपकी अंदर वाली एलसीडी को प्रोटेक्ट करिए, वो बैठा हुआ है, पीछे की साइड को प्लास्टिक लगा हुआ है। हालांकि आप किसी भी ग्लास स्क्रीन को या लैमिनेटेड स्क्रीन को या एलसीडी स्क्रीन को पीछे की तरफ से स्क्रैच करेंगे तो वो आराम से स्क्रैच हो जाएगा। उसके लिए तो आपको चाबी से भी स्क्रैच लगा, देख सकते हो पीछे वाली स्क्रीन कितनी जल्दी से स्क्रैच हो जा रही है। इसमें भी अगर देखा जाए तो पीछे आराम से स्क्रैच कर सकते हो, आगे से नहीं कर पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। तो देख सकते हो कि आप देख के भी बता सकते हो कि ये जो स्कैटर्ड हुई है ये स्क्रैच की वजह से हुई है या ये स्कैटर्ड हुई है आपकी इम्पैक्ट की वजह से। इम्पैक्ट का स्कैटरिंग आप देख सकते हो कि आर्बिट्रेरी जाता है, स्क्रैच का जो स्कैटरिंग जाती है वो बिल्कुल सीधी जाती है स्क्रैच के अलॉन्ग। तो देख सकते हो कि आपकी मोबाइल की जो एलसीडी स्क्रीन्स होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरर और आप कितना जोर लगाते हो, फिर भी अगर कंडीशन सही नहीं होती है तो आपकी स्क्रीन स्कैटर्ड या टूट फूट जाती है। तो दोस्तों अब तक आप समझ ही गए होंगे कि कैसे आपकी एलसीडी स्क्रीन प्रोटेक्ट होती है एक ग्लास से, और उस ग्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए आप फर्दर एक प्रोटेक्शन ग्लास लगा देते हो। तो क्या प्रोटेक्शन ग्लास लगाना कंपलसरी है, क्या टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्शन या प्लास्टिक टाइप के प्रोटेक्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर लगाना कंपलसरी है? मैं कहता हूँ हाँ, क्योंकि धूल से या रेत के कणों से आप कभी नहीं बच सकते हो। आप अगर फ़ोन को पॉकेट में डाल कर भी रखते हो तो पॉकेट के अंदर भी आप देख सकते हो कि मिट्टी या रेत घुसी जाती है, और जैसे इस पर रेत घुस जाएगी और रेत स्क्रीन के ऊपर होगी तो आप रुमाल को देखते उस रेत के कणों को स्क्रैच कर देते हो, झाड़ देते हो, तो उस झाड़ने के चक्कर में क्या होता है, कई बार कोई छोटा सा कण आपकी एलसीडी स्क्रीन को स्क्रैच कर जाता है, और वो एलसीडी स्क्रीन को ऐसा स्क्रैच करता है कि कहीं भी आपका फ़ोन उसके बाद गिरे तो इस टाइप का हाल आपकी स्क्रीन के साथ हो जाता है। तो दोस्तों फिलहाल पहले इम्पैक्ट को बचाने के चक्कर में मैं कह सकता हूँ कि आपको या कोई प्लास्टिक का या कोई टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा देना चाहिए। अगर कोई स्क्रैच होती तो आपकी ऊपर वाली स्क्रीन स्क्रैच होती है, तो सबसे पहले अगर इम्पैक्ट से जाएगी तो ऊपर वाली स्क्रीन जाएगी, ना कि नीचे वाली जो मेन मैन्युफैक्चर की बनाई हुई स्क्रीन्स होती हैं। तो दोस्तों टेम्पर्ड ग्लास लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप अपने फ़ोन को संभाल के रखते हो तो उतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप फ़ोन को रफली यूज़ करना चाहते हो तो कोई भी जाकर टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दे दीजिए, शेयर कीजिए अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और मेरी आगे आने वाली अन्य तकनीकी वीडियोज़, गैजेट्स रिव्यूज़ और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।